गणेश जी कहते हैं कि आज आप परिवारजनों के साथ मिलकर घरेलू मामलों में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे। कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ऑफिस के कार्य हेतु यात्रा पर जाने की संभावना है। वृषभ, गणेश जी कहते हैं कि विदेश में रहने वाले स्वजन या मित्र का समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्नता का अनुभव करेगा। ऑफिस या व्यवसायिक स्थान पर कार्यभार बढ़ेगा। व्यापार धंधे में लाभ होने की संभावना है। मिथुन, किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए आज क्रोध की भावनाओं को नियंत्रण में रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। ऑपरेशन कराने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। खर्च बढ़ जाने से आर्थिक तंगी अनुभव होगा। कर्क, गणेश जी कहते हैं कि आज के दिन मौज शौक और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में आप सराबोर रहेंगे। वाहन सुख प्राप्त होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में मान तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भागीदारी में लाभ मिलेगा। सिंह, गणेश जी कहते हैं कि आज आपके परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर आप आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। कन्या, आज आप संतान की समस्या से चिंतित रहेंगे। अपच, पेट दर्द की बीमारियों की शिकायत रहेगी। बौद्धिक चर्चा तथा बातचीत में भाग न लें। प्रणय प्रकरण में सफलता मिलेगी। शेयर सट्टा में सावधानी रखेंगे। तुला, गणेश जी कहते हैं कि अत्यधिक संवेदनशीलता और विचारों के बवंडर से आप मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। यात्रा के लिए आज का दिन अनुकूल न होने से यात्रा करना टालें। छाती के दर्द से परेशानी होगी। वृश्चिक, गणेश जी की कृपा से आज का दिन खुशी पूर्वक व्यतीत करेंगे। नए कार्य की शुरुआत करेंगे। लघु प्रवास का योग है। आज आपके कार्य सफल होंगे। भाग्य में लाभदायक परिवर्तन आएंगे। धनु, आपका आज का दिन मध्यम फलदायी साबित होगा, ऐसा गणेश जी बताते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमी पैदा करने के कारण मनमुटाव होगा। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। मकर, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन ईश्वर के स्मरण में बीतेगा। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में भी सानुकूल परिस्थिति रहेगी। आज आपका हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। मान सम्मान मिलेगा। कुंभ, गणेश जी आज किसी की जमानत लेने तथा आर्थिक लेन देन नहीं करने की सलाह देते हैं। खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वजनों के साथ मतभेद खड़े होंगे। मीन, सामाजिक कार्यों या समारोहों में भाग लेने का अवसर आएगा। मित्रों स्नेहीजनों के साथ की मुलाकात मन को खुशी देगी। आकस्मिक धन प्राप्त होने की संभावना है। वस्तुएं खरीदने के लिए अनुकूल दिन है, ऐसा गणेश जी बताते हैं।